सावादा विर्मनि सिखापदं स्मादियामि बात उन दिनों की है जब मैंने एक तथागत बुद्ध की भगवान बुद्ध की पीतल की बनी हुई ब्रास की बनी हुई एक मूर्ति खरीदी जो लगभग 2.25 फीट ऊंची थी। बड़ी मूर्ति थी, दिल्ली के पहाड़गंज से मैंने वो खरीदी थी। उसे लेके मैं घर गया। घर पहुंचने के बाद में फिर दोबारा में एक भिक्खु आए जो हमारे परिवार में आते जाते रहते हैं। उन्होंने मेरे फादर से कहा कि ये जो मूर्ति है, स्टैचू है, आइडोल है, ये तो हमारी नहीं है, इसका चीवर का स्टाइल दूसरा है, ये तो महायानियों की है। मेरे पिताजी ने उनको, क्योंकि वो मेरे पिताजी से धर्म को सीखा करते थे और मेरे पिताजी के सामने ही भिक्खु बने, तो मेरे पिताजी ने उस समय जो कहा वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मूर्तियां जो होती हैं वो बुद्ध के बहुत बाद में बनी है। आप कह नहीं सकते कि कौन सी मूर्ति बुद्ध की है, कौन सा चेहरा बुद्ध का है भी या नहीं भी है, किसने देखा किसको पता। कोई कैमरा नहीं, कोई चित्रकार नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई पत्थर पे कहीं गड़ी हुई मूर्त नहीं, तो कैसे पता चले कि ये बुद्ध की ओरिजिनल असली मूर्ति है या नहीं है। जो वर्णन है, जो किताबों में लिखा हुआ है, वो बाद का है, कैसे लिखा, किसने लिखा, उसमें भी बहुत सारे इतिहासकार, साहित्यकार अलग अलग भेद रखते हैं, अलग अलग बात रखते हैं। मूर्तियां जो होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं। जगह 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 हर 50-100 किलोमीटर पे वो अपनी वेशभूषा के साथ में बदलती रहती हैं। ये कमाल की बात है कि जैसा लोगों का भेष और भूषा है, जैसे कपड़े पहनने का तरीका है, जैसा उनका चेहरा है, बुद्ध भी वैसे ही होते चले गए। अगर आप देखेंगे कि बिहार में जो बुद्ध हैं वो कैसे हैं तो वो अलग तरह के हैं, आप देखेंगे अफगानिस्तान में जो बुद्ध हैं वो कैसे हैं वो अलग तरह के हैं, आप देखेंगे जो उड़ीसा में बुद्ध मिलते हैं वो अलग तरह के हैं, देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में बुद्ध मिलते हैं वो अलग तरह के हैं, देखेंगे जो पाकिस्तान में बुद्ध मिलते हैं वो अलग तरह के हैं, जो ईरान में बुद्ध मिलते हैं वो अलग तरह के हैं, जो मंगोल में बुद्ध मिलते हैं वो अलग तरह के हैं, जो चीन में बुद्ध मिलते हैं वो और अलग तरह के हैं, जो जापान में मिलते हैं वो अलग तरह के हैं। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए या पीछे पड़ते गए, लाओस में या थाईलैंड में या श्रीलंका में, या आज के समय अगर हम यूरोप में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जाएं, तो देखेंगे कि सभी चित्रकार, सभी मूर्ति बनाने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो अपनी कल्पनाओं के सहारे मूर्ति बनाते हैं। किसी मूर्ति में कान छोटे हैं, किसी में कान लंबे हैं, किसी में बाल घुंघराले हैं, किसी में जूड़ा बना हुआ है, किसी में चोटी बनी हुई है, किसी में कम बाल है, कहीं सर ज्यादा उभरा हुआ है, कहीं सर कम उभरा हुआ है, कहीं वो बिल्कुल स्त्री जैसे, इत्थी जैसे चिकने बनाए गए हैं, कहीं उनकी दाढ़ी मूछ भी है, कहीं उनका शरीर बिल्कुल पतला है, स्लिम है, कहीं वो थोड़ा सा गठीला है। अलग अलग तरह की मूर्तियां अलग अलग तरह के हैं, कहीं उनकी आंखें बंद हैं, कहीं उनकी आंखें खुली हुई हैं, कहीं कहीं तो सिर्फ मुद्राएं ही बनाई गई हैं, जो हाथ की मुद्राएं हैं, और कहीं कहीं तो सिर्फ उनका जो धम्म चक्र है, जिसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं, सुदर्शन चक्र बोलते हैं, धम्म चक्र बोलते हैं, वील और धम्मा बोलते हैं, वो चक्र ही सिंबल है। यानी कि कोरिया में आप जाएंगे तो वहां सिर्फ जो सिंबल है, जो गोलाकार है, वही धम्म का, बुद्ध का प्रतीक है, वो उसी को मानते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो मूर्ति महायानियों की है या हीन यानियों की है या किसी और यान की है, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल बुद्ध तो बुद्ध है, बुद्ध को हजार तरह से लोग बना रहे हैं और बन भी रहे हैं। आज के समय अगर आप आर्टिस्टों का आर्ट देखेंगे कि उनकी आर्ट कैसी है, और आप नेट पे सर्च मारेंगे और खाली लिखेंगे बुद्धा या बुद्ध, या खाली बुद्ध भी लिखेंगे और इमेज में जाएंगे गूगल पे, तो आपको लाखों चित्र मिल जाएंगे भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के हजारों प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग पोजिशन में। इसलिए ये कहना कि ये बुद्ध की मूर्ति है या नहीं है,
ये निरी मूर्खता है, ये सवाल ही बिल्कुल बेकार का है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि अगर मुझसे मिलना हो और मुझे जानना हो और मुझे देखना हो तो मैं धम्म में मिलूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुद्ध से बड़ा धम्म है। जो व्यक्ति धम्म को जान लेता है वह बुद्ध बनता है, जो व्यक्ति बुद्ध को जान लेता है और धम्म को नहीं जानता है वो अर्हत भी नहीं होता। जैसे आनंद जो थे वो उनके साथ रहे, उन्होंने जीवन भर बुद्ध को जाना मगर धम्म को नहीं जान पाए। तो भगवान बुद्ध जब अपना जीवन छोड़ चुके, शरीर को छोड़ चुके, तब तक भी आनंद धम्म को नहीं सीख पाए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने धम्म को पढ़ाया, बहुत लोगों को पढ़ाया और बहुत लोग उनके पढ़ाए अर्हत हो गए। ठीक ऐसे जैसे कोई मास्टर सिविल सर्विसेज में आईएएस ना बन पाए, आईपीएस ना बन पाए, और उसके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं और मास्टर नहीं बन पाया। ऐसे ही आनंद के साथ हुआ कि आनंद अर्हत नहीं हो पाए और बहुत लोगों को उन्होंने अर्हत कर दिया पढ़ा पढ़ा के। बुद्ध के मरने के बाद, उनके निपत होने के बाद आनंद फिर बाद में अर्हत हुए। इसलिए बुद्ध की मूर्ति में ना उलझिए। बुद्ध की मूर्तियां जो बनी हैं लोगों ने याददाश्त के हिसाब से, अपनी भक्ति भावना के हिसाब से बनाई हैं, बुद्ध की कहीं पूजा नहीं होती है। तो बुद्ध जितने भी हैं वो बच्चों के लिए हैं, या बच्चे जैसे जो बड़े लोग हैं जिनका मन बच्चे जैसा है, या जो बहुत बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, उनको सिर्फ यह है कि एक बुद्ध की स्टैचू घर में लगा दी, उनको देख के शांति मिलती है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हमारे भगवान है, तथा कहते हैं भगवान है, जो भी कुछ वो मानते हैं भक्ति में आके, हो गया काम उनका, उनके लिए वही काफी है। तो उनके लिए मूर्तियां ठीक हैं, मगर धम्म में उतरना है, धम्म में जानना है, धम्म को सीखना है, धम्म की प्रैक्टिस करनी है, धम्म को अपने शरीर पर देखना है, अपने मन पर देखना है, तो मूर्तियों में कुछ नहीं रखा। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ दाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.
शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि।